अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो गरीब नवाज़ हॉस्टल यहाँ पर तामीर हुआ है चार मंजिला, इसमें दो साल से बच्चों की तालीम का जो सिलसिला यहाँ पर जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने वाले बच्चे आते हैं। इसमें वो बच्चे ज़िला पुंछ के गाँव देहात के आते हैं जिनके ज़िंदगी के सहूलियात को पूरा करना उनके घर वालों के लिए दुश्वार है, यतीम बच्चे हैं या कि गरीब बच्चे हैं, उनको यहाँ पर जो तमाम सहूलियात पेश की जाती हैं। साल में यहाँ पर टेस्ट होता है, इम साल 8 मार्च आज के दिन यहाँ पर जो है बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है। इसमें 40 और 50 के दरमियान में बच्चों ने यहाँ पर जो दरख्वास्तें पेश की थी, जिसमें से आज गालिबा 40 बच्चे हमारे शरीक हुए हैं। ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और इन बच्चों के टेस्ट के बाद में हतमी फैसला ये किया जाएगा कि जो बच्चे हमारे यतीम होंगे, अगर हमारे पास जितनी सीटें बाकी रहती हैं जिनको बच्चों हमें रखना है, अगर हमारे पास वही यतीम बच्चे आएंगे तो फिर पहली तरजीह उन्हीं बच्चों दी जाएगी, उसके बाद में दूसरा नंबर जो है यतीम गरीब बच्चों का रहेगा। वाजह बात है कि अरकान कमेटी खासकर इसके चेयरमैन अलहाज अब्दुल्जमीर साहब ने जो फैसला किया है कि हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों का जिनका कोई सहारा नहीं है उनको यहाँ पर जरूरियात दी जाएंगी, जो स्कूलों के अंदर भी तालीम हासिल करते हैं, यहाँ पर रिहाइश और दीनी मजहबी बुनियादी तालीम भी दी जाती है, कुरान मुकद्दस की तालीमात से आश्ना किया जाता है। इनके ज़िंदगी के सारी ज़रूरियात को यानी बिस्तर, कम्बल, खाना पीना, रिहाइश और वर्दी, पेंसिल, कापी, जितनी भी ज़रूरियात हैं सब का सब जो है ट्रस्ट जो बर्दाश्त करता है और इसमें जो है तमाम लोग हिस्सा भी लेते हैं और इन्हीं की इस तआवुन की वजह से ये ट्रस्ट आगे काम कर रहा है।